23 अप्रैल सन 2017 को शुरू हुई बांद्रा टर्मिनस गाजीपुर सिटी बाई वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो मुंबई को गाजीपुर सिटी से जोड़ने वाली एक रेल सेवा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे बांद्रा मुंबई से चलकर गाजीपुर सिटी तक जाने वाली ट्रेन की जानकारी। बस वीडियो में अंत तक बने रहें और देखते रहें द रेल नॉलेज। ट्रेन नंबर 20941 बांद्रा टर्मिनस गाजीपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन की दोस्तों अगर हम बात करें तो यह ट्रेन बांद्रा मुंबई से खुलकर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होती हुई उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सिटी तक जाती है, जो कि अपनी कुल रेल यात्रा 1920 किलोमीटर को तय करती है लगभग 31 घंटे और 30 मिनट में। इस ट्रेन की जो टॉप स्पीड रहती है वो रहती है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की और इसकी जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 61 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है वेस्टर्न रेलवे और यह ट्रेन एक बाई वीकली ट्रेन है जो हफ्ते में दो दिन हर शुक्रवार और रविवार को बांद्रा मुंबई से खुलकर हर रविवार और मंगलवार को गाजीपुर सिटी में अपनी यात्रा को पूरा करती है। बीच में यह ट्रेन 24 स्टेशनों पर अपना ठहराव लेती है और यह एक सुपरफास्ट ट्रेन है जो बांद्रा टर्मिनस जैसलमेर सुपरफास्ट, बांद्रा टर्मिनस जयपुर सुपरफास्ट, बांद्रा टर्मिनस महुआ सुपरफास्ट और बांद्रा टर्मिनस पलिताना सुपरफास्ट ट्रेन के साथ अपने रेक शेयरिंग करती है। इस ट्रेन के दोस्तों अगर हम कोचेस की बात करें तो इसमें LHB श्रेणी के कोच लगते हैं जिसमें 5 प्रकार के कोच लगते हैं। फर्स्ट AC, AC2 टायर, AC3 टायर, स्लीपर और अनरिजर्व्ड जनरल क्लास के कोच लगते हैं। एंड टू एंड अगर हम इस ट्रेन के बांद्रा टर्मिनस से गाजीपुर सिटी तक के किराए की बात करें तो इसमें फर्स्ट AC के कोच का किराया रहता है 4,915 रुपए, AC2 टायर का किराया रहता है 2,885 रुपए, 3 टायर AC का किराया रहता है 2,000 रुपए, स्लीपर का जो किराया रहता है वो रहता है 765 रुपए और अनरिजर्व्ड जनरल क्लास का जो किराया रहता है वो रहता है लगभग 420 रुपए के आसपास का। इस किराए में दोस्तों GST रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और बेस्ट फेयर चार्ज शामिल रहता है, परंतु यात्रा से पहले इसे जांचना भी आवश्यक है क्योंकि त्रुटि हो सकती है। पेंट्री कार की सुविधा इस ट्रेन में रहती है जो भोजन संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध करवाता है, परंतु पेंट्री के भोजन का चार्ज अलग से देना होता है। इसके अलावा इस ट्रेन में आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग भी मिल जाएगी। इस ट्रेन को पूरी यात्रा के दौरान BRC लोको शेड का Web 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लीड करता है। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस बांद्रा टर्मिनस गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस के हम सभी स्टेशनों को भी विस्तार से देख लेते हैं। दोस्तों बांद्रा टर्मिनस मुंबई से चलकर गाजीपुर सिटी तक जाने वाली इस बाई वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर रविवार और शुक्रवार को रात के 11:25 पर मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना होती है। और दोस्तों बांद्रा टर्मिनस से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज रहता है वो रहता है बोरीवली। रात के 11:52 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और करीबन 3 मिनट ठहरने के बाद रात के 11:55 पर यह ट्रेन बोरीवली से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गुजरात के वापी में रात के 1:36 पर और 1:38 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वलसाड़ रात के 2:01 पर और 2:03 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सूरत रात के 2:57 पर और रात के 3 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है भरूच जंक्शन रात के 3:41 पर और 3:43 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वडोदरा जंक्शन सुबह के 4:32 पर और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 4:42 पर यह ट्रेन वडोदरा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है।
फिर यह ट्रेन पहुंचती है मध्य प्रदेश के रतलाम जंक्शन में सुबह के 8:20 पर, और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 8:30 पर यह ट्रेन रतलाम जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहां तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 640 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है शामगढ़ सुबह के 10:08 पर, और 10:10 पर यह ट्रेन यहां से रवाना हो जाती है, मगर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है रामगंज मंडी जंक्शन सुबह के 10:43 पर, और 10:45 पर यह ट्रेन यहां से रवाना हो जाती है, मगर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है राजस्थान के कोटा जंक्शन में सुबह के 11:40 पर, और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 11:45 पर यह ट्रेन कोटा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है सवाई माधोपुर जंक्शन दोपहर के 1:08 पर, और 1:13 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, मगर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है गंगापुर सिटी दोपहर के 1:55 पर, और दोपहर के 2 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, मगर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है हिंडोन सिटी दोपहर के 2:38 पर, और 2:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, मगर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है बयाना जंक्शन दोपहर के 3:25 पर, और 3:30 पर यह ट्रेन बयाना जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, मगर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट में शाम के 5:05 पर, और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद शाम के 5:10 पर यह ट्रेन आगरा कैंट से भी रवाना हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1240 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है शमशाबाद टाउन शाम के 5:38 पर, और 5:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, मगर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है इटावा जंक्शन रात के 8:30 पर, और 8:35 पर यह ट्रेन इटावा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, मगर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज रहता है वो रहता है कानपुर सेंट्रल। रात के 10:40 पर यह ट्रेन पहुंचती है कानपुर सेंट्रल, और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद रात के 10:45 पर यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है प्रयागराज जंक्शन रात के 1:25 पर, और रात के 1:30 पर यह ट्रेन प्रयागराज जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, मगर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है जंघई जंक्शन रात के 2:59 पर, और रात के 3:01 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, मगर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मरियाहू रात के 3:51 पर, और 3:53 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, मगर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है जौनपुर जंक्शन तीसरी सुबह 4:40 पर, और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 4:45 पर यह ट्रेन जौनपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है डोभी सुबह के 5:28 पर, और 5:30 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है ओंडिहार जंक्शन सुबह के 5:51 पर, और 5:53 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, और इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप रहता है वो रहता है उत्तर प्रदेश का गाजीपुर सिटी। सुबह के 6:45 पर यह ट्रेन पहुंचती है गाजीपुर सिटी, और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1920 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी बांद्रा टर्मिनस मुंबई से चलकर गाजीपुर सिटी तक जाने वाली बाई वीकली सुपरफास्ट ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।